हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एस डिज़ाइनर मेरा चैनल में आपको ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स उसके साथ टेलरिंग डिटेल मेजरमेंट ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग ये सब साथ में सिखा रही हूँ आपको फैब्रिक पेंटिंग का नॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है वो वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन में दे रही हूँ क्लिक करके चेक कर लो आप पहला बार मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक करो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड आज हम देखेंगे फ्रॉक कटिंग ये मैं दो साल बच्चा के लिए बनाने वाली हूँ ये मेजरमेंट मार्किंग करने के लिए मैं कपड़ा को ऐसा पहला फ़ोल्ड करके ले रही हूँ अभी इसमें ऊपर आधा इंच में निशानी करके ले रही हूँ शोल्डर सिलाई के लिए अभी ये वाला निशानी से टोटल आपको लेंथ चेस्ट तक कितना चाहिए वो मार्किंग करके ले लो मैं आठ इंच मार्किंग करके ले रही हूँ ये निशानी लगाने के बाद स्केल से ये निशानी को लाइन दे दो ये होने के बाद हम शोल्डर का निशानी मार्किंग करके लेंगे शोल्डर देखो गला के लिए मैं छोड़ रही हूँ दो इंच और हमारा शोल्डर के लिए मैं छोड़ रही हूँ दो इंच टोटल मैंने शोल्डर का लेंथ चार इंच रखा है ये वाली फ्रॉक में मैं स्लीव्स नहीं लगाने वाली हूँ इसलिए शोल्डर को अंदर से फोल्डिंग करने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना था टोटल मैं साढ़े चार छोड़ा है अभी हमारा गला का मार्किंग करके लेंगे गला के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ दो इंच दो इंच ही रखो उसका नीचे मत रखो ये बराबर परफेक्ट रहेगा अब ये दो इंच को मैं बॉक्स बना के इसमें मैं गला का राउंड मार्किंग करके लेने वाली हूँ हमारी गला का मार्किंग हो गया है अभी इधर से आरमोल का मार्किंग लगाना है आरमूल के लिए मैं चार इंच में निशानी लगा रही हूँ ये निशानी पे स्केल से लाइन देके के आरमोल हम ड्रॉ करके ले लेंगे इसके बाद हमको मार्किंग करके लेनी है हमारा छाती छाती हमारा साढ़े दस है इसको आधा करेगा तो आपको मिलेगा फाइव पॉइंट टू अब ये फाइव पॉइंट टू में मैं मार्किंग करके लेने वाली हूँ ये देखो ये वाली मार्किंग होने के बाद हमको सिलाने के लिए अंदर कपड़ा रखना है इसके लिए मैं एक इंच पे कपड़ा रख रही हूँ इसके बाद आरमोल की राउंड मार्किंग करके लेनी है ये आरमोल का राउंड के लिए आपको एक इंच तक इसमें क्रॉस में लाइन देके अभी इसमें आरमोल की शेप ड्रॉ करके ले लेंगे पीछे सेड के लिए भी हमारा आरमोल की मार्किंग करके लेना है तो डेढ़ इंच में मैं मार्किंग करके पीछे सेड का भी आरमोल का शेप दे रही हूँ अभी ऊपर हमने छाती के लिए कितना मेजरमेंट रखा है वही हमारा कमर भी, भी रखना है तो मैं फाइव प्लस आपको एक इंच सिलाने के लिए देना था वो भी साथ में मार्किंग करके ले रही हूँ इसके बाद हमको मार्किंग करना है हमारा नीचे वाला स्कर्ट इसके लिए पहला आधा इंच हमारा सिलाई के लिए देना है तो ये सिलाई के लिए मैं निशानी लगा के इसको स्केल से लाइन दे रही हूँ नेक्स्ट हमको मार्किंग करना है हमारा स्कर्ट की लंबाई स्कर्ट की लंबाई में मार्किंग करने वाली हूँ साढ़े दस इसमें एक निशानी लगा के इसको स्केल से लाइन देने वाली हूँ अभी हमारा स्कर्ट का चौड़ाई देखेंगे कितना आपको फ्लैर्स चाहिए उस हिसाब से ये देखो ऊपर में सात इंच लगाया इसमें से तीन इंच एक्स्ट्रा लगा के मैं दस इंच में मार्किंग करके लेने वाली हूँ आपको कितना फ्लैर्स चाहिए उस हिसाब से ले लो नहीं तो बराबर तीन इंच एक्स्ट्रा ले लो बराबर रहेगा आपका कमर से तीन इंच एक्स्ट्रा दे लो आपका फ्लेयर्स के लिए स्कर्ट बराबर बैठेगा अभी नीचे से हमको शेप देना है बराबर एक इंच पे रख के नीचे से शेप दे दो अब इसको कटिंग करके निकाल दो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग वीडियो ऊपर आई बटन में दे रही हूँ क्लिक करके चेक कर लो बीच में हमने मार्किंग किया था ना उसको भी कटिंग करके निकाल दोनों दो पीस अलग कर दो मैं सिर्फ फ्रंट वाला ही कट करके निकाला है अभी यही रख के बैक साइड के लिए भी कटिंग करके निकाल दो मैं दोनों अलग अलग क्यों कर रही हूँ क्योंकि मैं पीछे जिप लगाने वाली हूँ उस जिप लगाने के लिए दोनों अलग अलग कटिंग करके लेगा तो ही बराबर आएगा कट होने के बाद हमारा ऊपर वाला पीस को भी अलग से ट्रेस करके कटिंग करके निकालो और ये देखो ये हमारा आगे वाला पीस है इसलिए सीधा आपको कैसा चाहिए उसने डाल दो पीछे आपको जिप लगाने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है वो इधर छोड़ दो तभी जाके आपको क्लोज करने से मैं बराबर बैठेगा और पीछे आर्म होल के लिए भी आधा इंच छोड़ना है वो भी साथ में ड्रॉ करके इसको भी कटिंग करके निकाल दो ये कटिंग करने से आप बीच में भी जिप लगाने के लिए कटिंग करके ओपन कर दो अब इसको मेन कपड़ा में डाल के कटिंग करके निकाल देंगे स्कर्ट का अस्तर को रख के मैं नीचे भी इसको कटिंग करके निकालने वाली हूँ मैं स्कर्ट पे बॉक्स प्लीट्स लगाने वाली हूँ उस हिसाब से मेजरमेंट लेके इसको मैं कट करके निकाल रही हूँ आपको कितना बड़ा बॉक्स प्लीस चाहिए उस हिसाब से मेजरमेंट करके ले लो ये स्कर्ट पे मैं बीच में बेल्ट लगाने वाली हूँ वो बेल्ट के लिए कैनवास पेपर लेके ऐसा दो फोल्ड करके बराबर साढ़े दो या तीन उसी हिसाब से मार्किंग करके इसको कट करके निकाल दो नेक्स्ट हमारा अस्तर का स्कर्ट में कितना कमर है उतना ही मैं इसमें रखने वाली हूँ उतना ही हमको रखना है इसको बराबर हमारा कमर की लेंथ मार्क करके ऊपर आधा इंच में एक मार्किंग करके ले लो नीचे आधा इंच में एक मार्किंग करके ले लो क्योंकि हमारा स्कर्ट थोड़ा सी शेप में आना चाहिए नहीं तो स्ट्रेट रहेगा गंदा दिखेगा तो हमेशा आपको बेल्ट ऐसे ही ड्रॉ करके लेना है ये होने के बाद इसको कटिंग करके निकाल देंगे हमारी बेल्ट का कटिंग रेडी हो गया अब इसके बाद इसको अस्तर में डाल के कटिंग करके निकालना है अस्तर में कटिंग करके निकालने समय ऊपर आधा इंच में जगह छोड़ो नीचे आधा इंच में जगह छोड़ो अब इसको कट करके निकाल दो इसके बाद ये वाला पीस को हमारा मेन कपड़े में रखकर कट करके निकालना है इसमें आपको एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने का जरूर नहीं है हमारा अस्तर का कपड़ा कितना है उसी हिसाब से कट करके निकाल दो नेक्स्ट हमको बैक साइड के लिए रस्सी बांधने के लिए मार्किंग करके लेना है इसके लिए मैं डेढ़ इंच में मार्किंग करके ले रही हूँ लेंथ आपको रस्सी में कितना रखना है उतना आप लगा सकते हो बट इसका चौड़ाई के लिए मैं ऊपर डेढ़ इंच में एक मार्किंग करके ले रही हूँ नीचे आपको दो इंच में मार्किंग करके लेना है अब इसको स्केल से लाइन दे दो अब ये मार्किंग होने के बाद देखो ये दो इंच है ना इसमें से दोनों साइड में आदा आदा आधा आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है बढ़ा के इसको भी स्केल से लाइन दे दो ये होने के बाद इसमें आधा इंच में एक क्रॉस मार्किंग ऐसा देना है ये देखो मैं कैसा दे रही हूँ उस हिसाब से इसमें आधा इंच में एक क्रॉस मार्किंग देना है हो गया हमारा पीछे बांधने वाला रस्सी अब इसको भी कटिंग करके निकाल देंगे इसको हमको दो बनाना है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कपड़ा को दो फोल्ड करके एक ही बार कटिंग करके लेगा तो हमारा दो रस्सी एक ही साथ आ जाएगा कटोरी ब्लाउज में आपको डाउट रहेगा तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है ऊपर आई बटन में दे रही हूँ क्लिक करके चेक कर लो फ्रंट वाली साइड में मैं फ्रॉक में नेट वाली कपड़ा अटैच करने वाली हूँ इसके लिए मैं फ्रंट वाला अस्तर को इसके ऊपर रख के कट करके निकाल रही हूँ मेरा चैनल में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला रहेगा तो जरूर मेरा चैनल को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई टेलरिंग कर रहे तो उनके लिए भी मेरा चैनल को सजेशन करो बहुत हेल्पफुल रहेगा अभी मैंने कटिंग किया हुआ सब पीस को एक ही साथ रख के बांध के रखने वाली हूँ नेक्स्ट दो दिन में इसका स्टिचिंग वीडियो आ जाएगा तब तक मेरा वीडियो के लिए वेट करो मेरा चैनल आपको पसंद आया रहेगा तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे मुझे सपोर्ट करो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड विथ बी एस डिज़ाइनर అప్పు థర్టీ ఎయిట్ సైజ్గా గౌండ్ కటింగ్ వీడియో చేయతూ ఏ వేలా వీడియో క్లిక్ అయితే చెక్ కర్లు